बडीज, व्हाट्स अप, इट्स बॉनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे पास एक केक का बोर्ड पड़ा हुआ था एंड आई एम थिंकिंग क्यों ना इसके ऊपर एक क्यूट सी मेकओवर की जाए। साउंड्स इंटरेस्टिंग, पर बनाने क्या वाली हो? वो तो बहुत जल्दी पता चलने वाला है। एंड या वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं पूरी की पूरी बोर्ड को व्हाइट जेसो से अच्छे से कवर कर दूंगा। हाँ फाइनली, बट बडीज को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि व्हाइट जेसो के बदले आप व्हाइट एक्रेलिक पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बातें करते करते तो मैंने पूरा जेसो अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब मैं फटाफट एक स्केच प्रिपेयर कर लूंगी। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी हाउस बनाई है और नीचे मैंने लैंड बनाई है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये ड्राइंग काफी अजीब लग रही है? हाँ थोड़ी सी तो अजीब लग रही है, बट धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बनाने वाली हूँ। एनीवेज अब करूंगी पेंटिंग और उसके लिए मैं एक्रेलिक कलर्स की इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैं बैकग्राउंड को अच्छे से कलर कर लूंगी। तो यहाँ पर स्काई बन रहा है तो, है ना? हाँ सही कहा। एनीवे स्काई वाले हिस्से को अच्छे से कलर करने के बाद अभी लैंड वाले हिस्से को अच्छे से कलर करूंगी। मैं यहाँ पर एक ग्रासी लैंड बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भर भर के ग्रीन कलर अप्लाई किए हैं। बेसिक कलर अप्लाई करने के बाद अच्छे से शेडिंग करूंगी। एनीवेज मैंने ग्रासी लैंड को अच्छे से कलर कर दिया है। अब करूंगी हमारी छोटी सी हाउस पे कलरिंग। बॉनी का भी पेंटिंग करी है, तब तक आप लोगों को लाइक जरूर करना एंड चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स की कोई बात नहीं है, समझी? वैसे ही हम दोनों का चैनल है इसलिए मैंने बोला। ठीक है बाबा, ठीक है। पहले एज यूजुअल मैं बेसिक कलर अप्लाई करूंगी और उसके बाद करूंगी छोटी मोटी डिटेलिंग एंड आउटलाइनिंग। इस बार शेडिंग नहीं करूंगी क्योंकि ये हाउस मैंने थोड़ी कार्टूनिश वर्जन में बनाई है, इसीलिए नो शेडिंग, ओनली डिटेलिंग एंड आउटलाइनिंग। फाइनली हाउस एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने एक छोटी सी प्लास्टिक का लिड लिया है। ओ, इसमें तो छोटा सा हार्ट भी बना हुआ है। हाँ, और ये छोटी सी हार्ट मेरी प्यारी प्यारी बडीज के लिए है जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एनीवेज मैं अभी इस लिड को फेविक्विक की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दूंगी। अभी मैंने ले लिया है फेविक्रिल मोल्डेड क्ले। अभी मैं इसे छोटी छोटी लड्डू जैसे बॉल्स बना लूंगी और फिर मैं सारी की सारी क्ले बॉल्स को इस लिड में अच्छे से स्टिक कर दूंगी। एक्चुअली ये जो हाउस मैंने बनाई है यहाँ पर, ये एक मूवी से इंस्पायर्ड है। मूवी की नेम है अप और ये बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है। मैंने तो ये मूवी देखी है और आप लोग भी इसे जरूर एक बार देखना। एनीवेज पूरी लिड को क्ले बॉल से अच्छे से कवर करने के बाद अब करूंगी उस पर अच्छे से कलरिंग। इसीलिए कलरिंग के लिए डिफरेंट कलर्स यूज करने पड़ेंगे। एक्चुअली ये क्ले बॉल्स बलून्स है और इससे ये हाउस अच्छे से उड़ रही है। हमारी कलरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब छोटी मोटी कुछ एलिमेंट्स ऐड करूंगी, जैसे कि बलून्स में नॉट्स एंड स्काई में थोड़ी क्लाउड्स ऐड करूंगी। लास्ट में एक कोट ऐड करूंगी, इससे पूरी आर्ट पीस में एक एस्थेटिक लुक आई है। ये आर्ट पीस तो मुझे बड़ा ही पसंद आया है। सच में यार ये काफी एस्थेटिक और क्यूट बनी है। थैंक्स अ लॉट। एनीवेज ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी क्रिएटिव।